आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पिनाज और मेरे साथ हैं योगी सत्येंद्रनाथ जी, पीठाधीश्वर हैं कोलकाता पीठ के। और हम यहां पर आज आपको बताएंगे कि कैसे शनि की महिमा आप पर हो सकती है, एक छोटी सी मीठी रोटी से आप शनि का आशीर्वाद पा सकते हैं। जी हाँ, तेल तेल आपने बहुत चढ़ाया होगा, लेकिन हम बात करेंगे छोटी सी रोटी कैसे आपको दिला सकती है आपकी तमाम मनोकामना और साथ ही शनि की कुट दृष्टि से मुक्ति भी। तो एक एक कर हम आपको यहाँ पर बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर शनि किसी से कुपित हो और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो कैसे पूजा करें कि शनि का आशीर्वाद मिले। जो संपत्ति इत्यादि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शनि की स्तुति कर उनका पूजन करना चाहिए। विधान ये है कि मोर के पंखों पर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और फिर पंचोपचार पूजन करके चार मुख का एक दिया उनके समक्ष स्थापित करना चाहिए। फिर उनके मूल मंत्र का जाप कर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा अश्वेतामनाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा अश्वेतामनाय नमः, इस मंत्र का पांच माला का आपको जाप करना है और लाल रंग का आसन साधक को बिछाना है और उत्तरामुख रहकर मंत्र का जाप करना है। सात दिन तक इसी क्रम से आपको ये मंत्र करना होता है। तो माला या तो रीठे की बनी हुई हो या फिर शीशे के काले मुकुट की माला का भी आप इस मंत्र के जाप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और उसके पश्चात आपको मीठी रोटी बनानी होती है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है तो पुरुष धोती स्त्री साड़ी इत्यादि पहनकर मीठी रोटी बना सकती है। और जब मीठी रोटी बनाए तो उसके मध्य में एक बड़ा सा छेद रखना होता है और रोटी पर घी लगाकर मीठी रोटी का प्रसाद फिर शनिदेव को अर्पित करें और फिर स्वयं भी उसका शेष भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिए। और शनि मंदिर में सिंदूर और दक्षिणा अर्पित करने से सर्व संपत्ति से संबंधित जो विघ्न है वो दूर होते हैं और लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो शनि को आपने तेल चढ़ाया होगा, तिल चढ़ाया होगा, गुड़ चढ़ाया होगा, भी दान में दिया होगा, लेकिन मीठी रोटी कैसे करेगी आपके शत्रुओं से बचाव, बताइए योगी। शत्रु से बचाव के लिए भी आपको सर्वप्रथम शनि की स्तुति करते हुए पूजा करते हुए काले तिलों का एक ढेर बनाना होगा और उसी पर शनिदेव के विग्रह का स्थापन करना होगा। फिर पंचोपचार पूजन आप शनिदेव का करें और चार मुख का एक दिया जला कर रखें। फिर मूल मंत्र का जाप करें ओम प्रम प्रीम प्रोम सा टंकार वर्णाय नमः, ओम प्रम प्रीम प्रोम सा टंकार वर्णाय नमः। पांच माला का मंत्र जाप आपको नीले रंग के आसन पर उत्तराभिमुख होकर आपको करना है। सात दिन तक इसी क्रम से आप अपने मंत्र का जाप करते रहें और रीठे के दानों की माला अथवा शीशे के मनकों की माला से ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और फिर श्रद्धा पूर्वक आपको मीठी रोटी बनानी है और रोटी पर उसी प्रकार छेद रखते हुए और श्रद्धा पूर्वक जब वो प्रसाद बन जाए तो फिर शनिदेव को निवेदित करें, अर्पित करें और स्वयं उसका शेष भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और सफलता के लिए लौंग और इलायची दक्षिणा सहित शनि मंदिर में अर्पित करें तो आपकी ये समस्या भी अतिशीघ्र दूर होगी। चलिए, और अगर रोटी जो अपना घर का आटा होता है उसी की बननी है, विशेष किसी साधारण आपके पास जो भी घर का साधारण आटा है उसी से आप ये रोटी बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव वीरों के कारण इसी रोटी को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। अच्छा, चलिए, और आगे अगर आपको धन चाहिए तो धन लाभ कैसे हो सकता है, शनि कैसे प्रसन्न होंगे, मीठी रोटी से क्या कुछ करना होगा। जी, धन पर अक्सर शनि की कुपित दृष्टि होती है तो धन ही सबसे पहले व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए शनि की स्तुति पूर्वक पूजा करते हुए लकड़ी की एक अच्छी सुंदर सी चौकी पर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना अथवा चित्र की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप इत्यादि से पंचोपचार पूजन करते हुए चौमुखा दिया उनके सम्मुख आप प्रज्वलित कर लें। फिर अपने मूल मंत्र का जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रोम सा रात्रि साराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा रात्रि साराय नमः। तो पांच माला का जाप आपको नित्य करना है और लाल रंग के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर सात दिनों तक इसी प्रक्रिया को आप दोहराएं। तो उसके पश्चात रीठे के जो दाने हैं वाली माला है या शीशे की माला है उसे आपको मंत्र का जाप करना और फिर श्रद्धा पूर्वक मीठी रोटी का निर्माण करना है। यहाँ ये बात विशेष है कि रोटी बनाते समय आपकी धारणा और भक्ति वो विशेष इसमें देखी जाती है। तो छेद वाली रोटी बनाकर शनिदेव को अर्पित करें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और शीघ्र सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा शनि मंदिर में अर्पित करें तो धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, कभी भी आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। आप बार बार कह रहे हैं मीठी रोटी और छेद वाली, तो छेद वाली क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितने भी वीर हैं, सर्वप्रथम वीरों को ये रोटी चढ़ाई गई थी तो वीर जो भी रोटी ग्रहण करते थे तो उसमें छिद्र होना जरूरी था। तो वीरों ने ये कहा कि शनिदेव हम पर कृपा रखें तो हम अपना प्रसाद शनि को देंगे। और शनि ने जब ये प्रसाद प्राप्त किया तो शनि ने ये कहा कि छेद वाली रोटी भविष्य में जो अर्पित करेगा तो शनि की कुदृष्टि कभी उस साधक पर न जाएगी। बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, अगर शनि की दृष्टि प्रेम संबंध को कुछ बाधा पहुंचा रही हो तो क्या किया जाए। जी, शनि की स्तुति पूर्वक उनका सीपियां लेकर जमीन पर बिछाकर उस पर ही उनकी मूर्ति का श्रद्धा पूर्वक स्थापन करना चाहिए और पुनः पंचोपचार पूजन करना चाहिए।
चौमुखा दिया अर्पित करना चाहिए और फिर ओम प्रम प्रीम प्रोम सा क्रीम आकर्षाय नमः, ओम प्रम प्रीम प्रोम सा क्रीम आकर्षणाय नमः मंत्र का संपुट पूर्वक पांच माला का आपको मंत्र जप करना चाहिए। स्वयं काले रंग का आसन का चयन करें, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखते हुए 7 दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराएं और रीठे के माला से अथवा शीशे की काले मनको की माला से मंत्र का जाप करें और मीठी रोटी का प्रसाद जिसमें छेद बना हो वो घी लगाकर शनि देव को निवेदित करें और स्वयं भी उसका प्रसाद लें और शनि मंदिर में तेल उबटन फल दक्षिण अर्पित करने से प्रेम संबंधी प्रेम विवाह इत्यादि सब चीजों में आपको अवश्य लाभ प्राप्त। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज अपनी खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शनि के गुस्से को शांत कर पाएंगे आप, वो भी एक मीठी रोटी से। जी हाँ, ना ही आपको तेल चढ़ाना है, ना ही तिल, ना ही लोहे का दान करना है, बस एक मीठी रोटी बनाकर उनको प्रसाद रूप चढ़ानी है और आपकी समस्त इच्छाएं जाएंगी पूर्ण। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपकी संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है या संतान पर शनि की किसी तरह की कोई दूर दृष्टि बनी हुई है तो उससे निजात आप कैसे पा सकते हैं योगी जी? जी, संतान की शिक्षा के लिए हमेशा शनि को उत्तरदायी माना जाता है कि यदि शनि की दशा आपके पुत्रों संतानों पर हो तो वो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में शनि की स्तुति करनी आपको चाहिए और पूजा करते हुए एक कांसे की थाली लानी चाहिए और थाली के भीतर ही शनिदेव की मूर्ति अथवा चित्र की आपको स्थापना करनी चाहिए, फिर उनका पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य इत्यादि यथासंभव उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और फिर एक चौमुखा दिया उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए, फिर आप मूल मंत्र का जाप करके शनि की आराधना करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा प्रारब्धे स्वब्धे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा प्रारब्धे स्वब्धे नमः। तो इस माला आपका पांच माला का मंत्र जाप आपको इस मंत्र के माध्यम से करना है और उनके काले रंग के आसन पर ही आप बैठना है और उत्तराभिमुख आप रहें और इस प्रयोग को 7 दिन तक आप लगातार दोहराते रहें और फिर रीठे के बने हुए जो मनके हैं उसकी माला से अथवा शीशे के काले मनकों की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर स्वयं श्रद्धा पूर्वक मीठी रोटी का आपको निर्माण करना चाहिए और जब आप रोटी का निर्माण भी कर रहे हो तब भी ओम शम शनिश्चाय नमो मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए, रोटी के मध्य में छेद बनाना आप ना भूलें और फिर घी बना करके पूरी तरह से इस प्रसाद को तैयार करके शनिदेव को अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद अर्पण करने के पश्चात स्वयं भी ग्रहण करें, अपने बच्चों को भी परिवार में दें और फिर शनि मंदिर में पंचमेवा वंस्तव दक्षिणा अर्पित कर सकें, लेकिन जब आप इस प्रयोग को करें तो प्रयोग समाप्त होने के बाद अपने पुत्र पुत्रियों के नाम से संकल्प लेते हुए भूमि पर जल छोड़ने से ये प्रयोग संपन्न होता है और उनकी जितनी भी शिक्षा संबंधी परेशानियां हैं वो दूर। चलिए, तो संतान की शिक्षा की बाधा कैसे होगी दूर ये तो हमने जान लिया। योगी, आप बार बार कह रहे हैं कि जो भी आप प्रयोग बता रहे हैं वो या तो रीठे की माला से कह रहे हैं मंत्र जाप करना या आप काले मंत्र। बिल्कुल, तो ये रीठे की माला क्यों? दरअसल रीठे की माला शनि की प्रिय माला मानी जाती है, अपने पिता से जब उनका एक बार अनबन हो गया था तो रीठे के वृक्ष के नीचे उन्होंने शयन किया था, तो रीठे के वृक्ष ने उन्हें आश्रय दिया तो बदले में उन्होंने रीठे को वरदान दिया कि तुम्हारे जो मनके होंगे जो इन मनकों को धारण भी करेगा तो शनि की जो वक्र दृष्टि होती है या शनि की जो मार्केश जैसी स्थिति बनती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में आज भी प्रचलन है कि बाजू में रीठे के मनकों में छेद करके पहना जाता है यदि शनि की कोई भी इस प्रकार। चलिए, तो ये तो एक खास से और उपाय बन गया कि अगर किसी पर शनि की प्रकृति दृष्टि हो तो मन का धारण कर ले और रीठे की माला धारण कर ले। स्वास्थ्य लाभ अगर किसी को चाहिए कि शनि जब कुपित होते हैं तो सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? जी, स्वास्थ्य लाभ के लिए शनि की स्तुति पूर्वक उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें और काले रंग का एक विशेष वस्त्र भूमि पर बिछा कर ही उस पर शनिदेव की मूर्ति और विग्रह का स्थापन करना चाहिए, यदि आप मूर्ति उनके बना रहे हैं तो अष्ट धातु या लोहे की मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है, फिर मूर्ति का पंचोपचार पूजन करें और चौमुखा दिया भी उनके सम्मुख रखें, फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा नाद चैतन्याय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा नाद चैतन्याय नमः, यह संपुट मंत्र है, इसका 6 माला का आपको मंत्र जाप करना है। लाल रंग का आसन सबसे पहले भक्त बिठा लें और उसी आसन पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखते हुए 7 दिनों तक यह प्रयोग दोहराना होता है और रीठे की माला से ही अथवा शीशे के काले मनकों की माला से ही मंत्र का जाप आप करें और फिर उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक मीठी रोटी बनानी है और याद रहे कि जो मीठी रोटी बनाने की प्रक्रिया है यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो पूरा ध्यान अपनी श्रद्धा पूर्वक रोटी बनाने की तरफ रखें और घी वाली रोटी बनाकर उसका प्रसाद शनिदेव को अर्पित करें, स्वयं भी ग्रहण करें और फिर अगले दिन शनि मंदिर में थोड़ा सा तेल अथवा गुड़ श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से आपकी समस्त परेशानियां सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और शनि के गुस्से को, शनि की कुदृष्टि को, साथ साथ ही हो डैया हो, कोई भी अगर शनि से जुड़ी हुई दिक्कत हो उसे आप कैसे मीठी रोटी से
दूर कर सकते हैं, यही हम आपको बता रहे हैं आज अपनी इस खास विशेष में। मेरे साथ योगी सत्येंद्रनाथ जी लगातार जुड़े हुए हैं और अब बात करते हैं अगर आपके उपराकाल मृत्यु का मार्केश का दोष भी अगर बन रहा है उसे एक से दूर करें, शनि की वजह से ये भी एक बड़ी दिक्कत आती है बिल्कुल दृष्टि की वजह से। जी, अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु का योग शनि के कारण नजर आ रहा है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की स्तुति कर आप मिश्र धातु अथवा तांबे की थाली पर उनका सर्वप्रथम तो स्थापन करें और फिर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना के पश्चात पंचोपचार पूजन और मूर्ति का स्नान इत्यादि भी आप संपन्न करें और फिर चमुखा दिया उनको प्रस्तुत करके अपने मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम सा तेजसे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम सा तेजसे नमः। छह माला का मंत्र जाप आप स्वयं करें अथवा जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसके नाम से संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। लाल रंग के कंबल के आसन पर उत्ताभिमुख रहकर आपको 7 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है और फिर ऋषि की माला से अथवा शीशे की माला से ही आपको इस मंत्र का जाप पूर्ण करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक मीठी रोटी जित में पकाते हुए उसे तैयार करना है जिसके मध्य में छेद होगा और फिर ये रोटी शनि महाराज को निवेदित करें और स्वयं भी शेष भाग ग्रहण करें जी। और शनि मंदिर में वाद्य यंत्र जैसे शंख है अथवा घंटी इत्यादि अर्पित करनी चाहिए दक्षिणा सहित, तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार की हो वो मिटती ही मिटती है ऐसा शिव कथन निगम और आगम शास्त्रों में वर्णित है। और ये जो आप पूजा अर्चना बता रहे हैं या मीठी रोटी बनानी है चढ़ानी है सुबह के वक्त करना है या शाम के वक्त, ये दोनों ही संध्या में, वैसे तो त्रिसंध्या विवरण है लेकिन अच्छा। दो संध्याओं में अवश्य किया जा सकता है। चलिए, और अगली अगर हम बात करें तो मुकदमे जो हो रहे हैं अदालतों के टक्कर जो होते हैं अगर शनि नाराज हो जाए तो ये भी बहुत होते हैं, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको हो तो उससे हमारे जो भक्तगण हैं वो कैसे निजात पा सकते हैं? अकारण यदि आपको मुकदमे लंबे समय से चल रहे हैं, आपको तरह तरह के दोष हैं, आपके मुकदमे समाप्त नहीं होते, पुलिस कोर्ट कचहरी का काम अगर यदि लगातार आपको घसीटे रखता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शनि की स्तुति करते हुए पूजा उनकी करनी चाहिए और एक किसी भी थाली में लाल रंग का वस्त्र बिछा कर उस पर शनि देव के विग्रह का स्थापन करना चाहिए। फिर आप पंचोपचार पूजन करते हुए फल धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित कीजिए और एक चौमुखा दिया उनको अर्पित कीजिए। फिर मूल मंत्र का जाप कीजिए। आपका मूल मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा स्वतंत्रामनाय नमः। ये शब्द है स्वतंत्रामनाय, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा स्वतंत्रामनाय नमः। तो 7 माला का जाप आपको करना है। नीले रंग के कंबल के आसन पर उत्तर दिशा की ओर यदि आप मुख रखकर मंत्र जाप करते हैं तो श्रेष्ठ है। इस प्रयोग को 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक आपको दोहराना होता है। रीठे की माला अथवा शीशे की माला श्रेष्ठ माला है और फिर श्रद्धा पूर्वक उसी प्रकार पूर्वत मीठी रोटी बनाएं घी के बीच में और छेद वाली रोटी होनी चाहिए, उसे फिर शनि महाराज को प्रस्तुत करके स्वयं भी उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर जैसे शास्त्र होते हैं तलवार त्रिशूल इत्यादि शनि मंदिर में दक्षिणा सहित अर्पित करने से समस्त इस प्रकार के जो दोष हैं कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं इनका शीघ्र अंत होता है। जी, योगी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास विशेष में आज के लिए इतना।